हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआर किचन। आज हम एक सिंपल और टेस्टी सब्जी बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, जो है पोटैटो चिप्स। ये बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है, जिसके लिए तो हम आज शुरू करेंगे पोटैटो चिप्स बनाना। जिसके लिए मैंने 3 आलूओं को छील के पहले से ही छील लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। आलूओं को बीच में से कट कर लीजिए 1/2 करके। इसको ऐसे पतला लंबा लंबा कट करना है। देखिए कितना इजीली कट हो रहा है, और ये पतला लंबा लंबा कट कीजिए इसको। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, कम मसालों से बनती है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। अब हम चिप्स बनाना शुरू करेंगे। मैंने चिप्स को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर ली है। अब एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना तेल लीजिए। अब तेल को गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैक हो जाए तो इसमें जीरे को अच्छे से क्रैक होने दे। जीरा क्रैक हो चुका है हमारा। अब 5 टीस्पून ही साथ में 5 टीस्पून हल्दी डालेंगे और तुरंत ही चिप्स को अंदर डाल देंगे। इससे चिप्स का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और चिप्स को मिला देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और बाद में इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। इसको ढक के पकना है हमें, और बाद में दूसरे मसाले करेंगे हम साथ में इसमें। अब हम इसको ढक के पकने देंगे। अब हम देख लेते हैं, ये हमारी चिप्स आधी पक चुकी है। जब ये चिप्स पकने आए तभी उसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, और हाफ टीस्पून, अगर आपके बच्चे कम खाते हो तो आप कम डालिए, और साथ में 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। अब सब चीजों को मिला लीजिए, सब मसाले साथ में मिक्स कर लीजिए। इसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते, फिर भी ये बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इसको 5 मिनट और पकने दीजिए। अब हम देख लेते हैं चिप्स हमारी हमारी चिप्स बन के रेडी है। अब अच्छे से पक चुकी है। अगर आप चाहे तो इसे थोड़ी और पका के और थोड़ी कड़क कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। ये सब्जी रेडी है हमारे। अब हम इसको सर्व कर देंगे। ये मैंने सब्जी तैयार है और मैंने इसको रोटी और अचार के साथ सर्व किया है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।